नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। कमलनाथ ने मिशन 2023 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे तो सभी 230 सीटों पर जीत की रणनीति को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन कमलनाथ का खास फोकस उन सीटों पर है जहां 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन वहां के जीते विधायक सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। कांग्रेस इन सीटों पर फिर से जीत दर्ज कर कांग्रेस सरकार गिराने वाले विधायकों को सबक सिखाने की रणनीति तैयार कर रही है। इसी के तहत कमलनाथ पूर्व सीएम उमा भारती के गढ़ बड़ा मलहरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी को जमकर कोसा और 2023 में जनता से बीजेपी सरकार को सबक सिखाने की अपील की। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा, बीजेपी ने सौदा कर साजिश से सरकार को गिरा दी थी, जिसके बाद हम एक बार फिर से अपनी सरकार खड़ी करना चाहते हैं और बीजेपी को दिखा देना चाहते हैं कि कांग्रेस किसी से कम नहीं है। वहीं कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जमकर ताना कसा। इस बार कमलनाथ ने बीजेपी को गिराने की पूरी ठान ली है। वहीं कमलनाथ विशेषकर दल बदल पर धोखा देने वाले 26 विधायकों के सीटों को जीतने के लिए खास रणनीति बना रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें टीवी न्यूज़ में।